पूरी टीम लगी हुई है, ऐसा नहीं मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, हमारा एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, चाहे खैरागढ़ विधानसभा के हो, चाहे राजनांदगांव जिले के हो, चाहे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हो, सब लोग लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी अब बेखूट में आ गई है, क्योंकि वो तो कभी नहीं देंगे 2500 रुपये क्विंटल, मैं धान कभी नहीं खरीदेंगे, खैरागढ़ जिला कभी बना नहीं पाए, तो इसका खामियाजा उनको भोगना पड़ेगा। आरोप पत्र रमन सिंह तो ये बताए चीट फंड कंपनी पैसा क्यों वापस नहीं कराया, खैरागढ़ जिला क्यों नहीं बनाया, एक केस समर्थन मूल्य बोले थे उसको क्यों नहीं दिए, ये बता दे। अखोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, नान घोटाला, उसका जवाब दे दे रमन सिंह, उसके बाद फिर आगे बात करें। थैंक यू। ये 3 तहसील के संगठनों का आज शपथ ग्रहण भी हुआ, और सभी संगठनों के द्वारा, तीनों तहसीलों के संगठन के द्वारा आज भक्त माता कर्मा जयंती पटेवा में आयोजित था। और भक्त माता कर्मा एक ऐसी संत जिन्होंने समाज को जोड़ने में, समाज की विपत्ति से उबारने में, और अपने भक्ति के माध्यम से भगवान को भी उनके पास आने के लिए बाध्य करने वाली माता, और जिसके खिचड़ी आज महाप्रसाद के रूप में पूरे पूरी में जो प्रसाद बढ़ता है वो भक्त माता कर्मा ने जो शुरुआत की थी, तो आज साहू समाज के द्वारा बड़ा आयोजन और हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। और हमने यही कहा कि सरकार की जो योजना है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें और इन योजनाओं को सफल बनाने में सहयोग दें। अभिनव जी, आप पानी बहुत मांगे हैं प्रमाण करने का, उनके बारे में विचार, अभी चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है। राव जी, आप अकेले ही तूफानी अंदाज में 2020 अंदाज में प्रचार कर रहे हैं और उधर पूरा समूह है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से माहौल? हमारी पूरी टीम लगी हुई है, ऐसा नहीं मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, हमारा एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, चाहे खैरागढ़ विधानसभा के हो, चाहे राजनांदगांव जिले के हो, चाहे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हो, सब लोग लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी अब बेखूट में आ गई है, क्योंकि वो तो कभी नहीं देंगे 2500 रुपये क्विंटल, मैं धान कभी नहीं खरीदेंगे, खैरागढ़ जिला कभी बना नहीं पाए, तो इसका खामियाजा उनको भोगना पड़ेगा। आरोप पत्र रमन सिंह तो ये बताए चीट फंड कंपनी पैसा क्यों वापस नहीं कराया, खैरागढ़ जिला क्यों नहीं बनाया, एक केस समर्थन मूल्य बोले थे उसको क्यों नहीं दिए, ये बता दे। अखोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, नान घोटाला, उसका जवाब दे दे रमन सिंह, उसके बाद फिर आगे बात करें। थैंक यू। समाज के अधिष्ठात्री भक्त माता कर्मा अपन कार्य से, अपन लगन से, मेहनत से न केवल साहू समाज का संगठित करे, संकट से उबारे, बल्कि बता दे से एकता में ही ताकत। जब वहां के राजा देश के ओकर मंत्री साहू समाज से चिढ़क भी से, तो देश के हाथी खजरी हो गए, ये तेल में बोलना है डुबोना है, तब तक खजरी मारे इसे बच गया था। अरे जिम्मेदारी तेल इकट्ठा करे, जिम्मेदारी साहू समाज ला, साहू समाज स्वाभाविक रूप से होते, पर हाथी को डुबोना है तो बाउली चाहिए और उसका तेल भरना, गर्मी दिन में बाउली पानी सुखा देते और वह तेल भरना है। ऐसा समय में भक्त माता कर्मा सामने आते और समाज कहते थे, यदि हम एक जन दो जन करी कारो बस की बात नहीं है, लेकिन यदि सब मिलकर करवो सहयोग, तो निश्चित रूप से जेकर जैसे जैसे क्षमता है वैसे वैसे तेल इकट्ठा करके लाओ, और हो इसे कि वो कुंडल भर भी देगी हाथी डूब के, और राजा और मंत्री के जिन अहंकार है ये समाप्त हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।